थाईलैंड में बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने अपने एक साथी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक अनोखा एडवेंचर प्लान किया। पूरी टीम ने फैसला किया कि वो थेम लुआंग केव के अंदर जाकर अपने टीम मेंबर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एक चीज और थी जो इस प्लान के साथ जुड़ी थी, और वो ये कि कोई भी इस प्लान के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताएगा। 10 किलोमीटर तक फैली हुई और 85 मीटर तक गहरी ये केव थाईलैंड के नॉर्थ में लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मौजूद है। इस गुफा के अंदर जाना एक एडवेंचर जरूर था, लेकिन यही एडवेंचर इन बच्चों की जिंदगी का सबसे भयानक एडवेंचर बनकर रह जाएगा। इस बात का अंदाजा इन बच्चों के साथ शायद किसी और को भी नहीं था। 23 जून 2018 ये वो दिन था जब इन 12 बच्चों ने, जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच में थी, उन्होंने अपने एक 25 साल के फुटबॉल कोच को भी इस प्लान में शामिल करके अपनी बाइसिकल पर सवार होकर थेम लुआंग केव के अंदर चले गए। उन 13 लड़कों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये कदम कितना भयानक होने वाला है। उनको गुफा के अंदर गए अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि अचानक मौसम ने बाहर करवट बदली और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये 13 लड़के इस अंधेरी गुफा की काफी गहराई तक जा चुके थे, इसी वजह से इनको बाहर होने वाली बारिश का बिल्कुल भी पता नहीं था। मिनटों का टाइम अब घंटों में बदल चुका था। बच्चों के घर वाले जो यही समझ रहे थे कि उनके बच्चे फुटबॉल खेलने गए हैं, जब वो टाइम पर घर वापस ना लौटे तो उनको भी परेशानी होने लगी। गुफा के अंदर मोबाइल नेटवर्क्स ना होने की वजह से ना तो उन 13 लड़कों से कांटेक्ट हो पा रहा था और ना ही किसी को ये पता था कि वो इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं। काफी समय बीत जाने के बाद अब सभी ने वापस गुफा से बाहर निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर वापस चले तो उन्होंने कुछ ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर देखा जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। दरअसल गुफा के रास्ते से पानी का एक तेज बहाव अंदर की तरफ आ रहा था, जो कि लगातार बाहर हो रही बारिश के कारण एक खतरनाक रूप धारण करने वाला था। धीरे धीरे गुफा में पानी भरना शुरू हो गया। वो 13 लड़के गुफा में मौजूद एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गए, जिससे वो खुद को पानी के इस बहाव से कुछ हद तक तो बचाए रख सकते थे। उधर बच्चों के घर न पहुंचने पर उनके माता पिता ने भी अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन खोजने के बाद भी किसी का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार फुटबॉल क्लब से हिंट मिलने पर पता चला कि लड़के थेम लुआंग केव की तरफ गए हैं। जब घर वाले भागते भागते केव की एंट्रेंस तक पहुंचे तो एक दिल दहला देने वाला मंजर उनका पहले से इंतजार कर रहा था। पेरेंट्स ने देखा कि एंट्रेंस पर उनके बच्चों की साइकिल्स और उनका कुछ सामान तो पड़ा है, लेकिन उनके बच्चों का नामो निशान तक नहीं है। अभी पेरेंट्स ये झटका बर्दाश्त ही कर रहे थे कि उनको एक और खौफनाक मंजर ने हिला कर रख दिया। जी हाँ, लगातार तेज बारिश की वजह से केव के अंदर धड़ाधड़ पानी जा रहा था, जो कि वाकई एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल था। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रेस्क्यू टीम भी वहाँ पहुँच गई और उन्होंने आते ही गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर हर जगह पानी भरता जा रहा था और अंदर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। रात का 1 बज चुका था, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला था। पहाड़ों से गिरने वाला धड़ाधड़ पानी लगातार गुफा के अंदर भरता जा रहा था, और फिर एक वक्त ऐसा आया जब गुफा के अंदर मौजूद रेस्क्यू टीम की तरफ से एक खबर आई। ये खबर उन परेशान पेरेंट्स पर पहाड़ बनकर टूटी, क्योंकि रेस्क्यू टीम का कहना था कि गुफा के अंदर एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां अब पानी गुफा की छत से जा लगा है। ज्यादा इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल यहीं रोकना पड़ा। यानी ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि अगर वो 13 लड़के गुफा के अंदर अभी तक जिंदा हैं, तो उनको ये रात अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। केव के एक मैप से पता चला कि इसके कुछ हिस्से काफी डीप हैं, जबकि कुछ पॉइंट्स पर ये केव ऊंचाई की तरफ भी जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर ये बच्चे जिंदा होंगे तो वो उन हिस्सों में ही पनाह ले रहे होंगे जो ऊंचाई पर हैं। सारी रात गुफा के अंदर पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। सुबह होने से पहले ही रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले गुफा के पानी का लेवल कम करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप्स लगा दिए, लेकिन सबको सिर्फ एक ही सवाल परेशान कर रहा था कि अगर वो 13 लड़के अभी तक जिंदा हैं, तो उन तक पहुंचा कैसे जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि प्रोफेशनल डाइवर्स पानी के जरिए गुफा के अंदर जाएं और लड़कों को तलाश करें, लेकिन उन डाइवर्स को केव का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए थाई नेवी ने अपने कमांडोज रेडी किए, जिनको अंडरवाटर मिशन का काफी एक्सपीरियंस था। फुटबॉलर्स को केव के अंदर गए अब पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे,
और हर गुजरते पल के बाद उनके जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जाहिर सी बात है, अगर वो जिंदा भी होंगे तो ना ही उनके पास इतना खाना पीना बचा होगा और ना ही जिस जगह पर वो फंसे हैं वहाँ इतना ऑक्सीजन बाकी रहा होगा कि वो सांस ले सकें। थाई नेवी के कमांडोज को पानी के अंदर जाने से पहले अंदाजा लगाना था कि फुटबॉलर्स केव के किन खुश्क पॉइंट्स पर मौजूद हो सकते हैं। इन खुश्क पॉइंट्स में से एक पॉइंट पताया बीच कहलाता है, जहां पर फुटबॉलर्स के होने की काफी उम्मीद थी। लेकिन समस्या ये थी कि ये पॉइंट केव की एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब था कि इनको पानी में काफी दूर तक स्विम करना था और वो भी गुफा की तंग जगह और बिल्कुल अंधेरे पानी में। इस पॉइंट तक पहुंचना डाइवर्स के लिए कोई एक दिन का काम नहीं था, क्योंकि गुफा का लेआउट मुश्किल होने के साथ साथ यहाँ का पानी इतना मैला था कि इसमें डाइवर्स को अपने हाथ तक नजर नहीं आ रही थी। जाहिर सी बात है, अब कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसी वजह से डाइवर्स ने अंदर जाने का काम शुरू कर दिया। थाई नेवी कमांडोज पानी में जितना अंदर जाते थे वो निशानी के तौर पे एक लाल रस्सी छोड़ते जाते थे ताकि वापसी का रास्ता उनके लिए आसान हो सके। उनके लिए केव के अंदर जाना जितना मुश्किल था उससे कहीं ज्यादा आसान था केव से वापस आना, क्योंकि वो लाल रस्सी को फॉलो करके वापस आ जाते थे। पूरे 2 दिन के बाद वो केव के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पानी नहीं था। अच्छी खबर ये थी कि यहां किसी भी लड़के की डेड बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन इसका मतलब ये था कि फुटबॉलर्स अभी भी काफी ज्यादा गहराई में मौजूद हैं। नेवी कमांडोज थे तो एक्सपर्ट, लेकिन उनको केव रेस्क्यू का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसी वजह से उनको हर कदम उठाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। अब फुटबॉलर्स को फंसे पूरे 4 दिन गुजर चुके थे। केव के बाहर रेस्क्यू टीम ने अपना बेस कैंप भी बना लिया था और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस हादसे की कवरेज दे रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और मीडिया कवरेज देखकर पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक फुटबॉलर्स को ढूंढने के लिए की जाने वाली कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला था। इसीलिए अब वक्त आ चुका था कि प्रोफेशनल केव रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए। ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम, जिनको केव में फंसे लोगों को बचाने का काफी एक्सपीरियंस था, वो अब मौके पर पहुंच चुकी थी। सबसे पहले इन्होंने पानी के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और फिर फैसला किया कि गुफा से पानी निकालने का काम बढ़ाना चाहिए। पहले जहां सिर्फ गुफा के एंट्री पॉइंट से पानी खींचकर निकाला जा रहा था, अब दूसरे एंट्री पॉइंट से भी गुफा का पानी निकालने का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते गुफा में पानी का लेवल कम होने लगा और अब गुफा के पहले 800 मीटर से पानी निकल चुका था और ये वही पॉइंट था जिस पर ब्रिटिश रेस्क्यू टीम ने एक रेस्क्यू बेस कैंप बना लिया, जिसको चैम्बर 3 का नाम दे दिया गया। दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इक्विपमेंट्स चैम्बर 3 तक लाए जा चुके थे, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से शुरू होना था। फुटबॉलर्स को गायब हुए अब पूरे 10 दिन गुजर चुके थे। चैम्बर 3 से डाइवर्स ने पूरी तैयारी के साथ पानी में जाना शुरू कर दिया। मैले और जीरो विजिबिलिटी वाले पानी में घंटों की स्विमिंग करने के बाद प्रोफेशनल डाइवर्स पताया बीच पॉइंट के करीब पहुंच चुके थे। ये वही पॉइंट था जहां फुटबॉलर्स के मिलने के काफी चांसेस थे, लेकिन पताया बीच पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब अंधेरी गुफा में उन्होंने लाइट जलाई तो उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि पताया बीच पॉइंट पर भी लड़कों का कोई नामो निशान तक नहीं था। अब कंडीशन ये थी कि डाइवर्स के पास सिर्फ इतनी ऑक्सीजन बची थी कि वो वापस चैम्बर 3 तक पहुंच सके। यानी अगर डाइवर्स इस पॉइंट से आगे गए तो उनके पास वापस लौटने जितना ऑक्सीजन नहीं बचेगा, लेकिन उनमें से एक डाइवर ऐसा था जो पूरी हिम्मत के साथ पताया बीच से भी आगे निकल गया। 1000 फीट आगे जाने पर उसको एक खुश्क जगह मिली और जब वो आखिरी बार पानी से निकला तो उसने वही देखा जिसकी उम्मीद सब लोग कर रहे थे। सहमे और घबराए हुए फुटबॉलर्स शायद पानी से निकलने वाले इसी डाइवर की राह तक रहे थे और वो 13 लड़के बिल्कुल सही सलामत इस पॉइंट पर मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरे 10 दिनों तक बगैर खाने पीने के ये कमजोर फुटबॉलर्स आखिर जिंदा कैसे रहे। एक्सपर्ट्स, जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस था, उनको ही इस पॉइंट पर पहुंचने में 10 दिन लग गए, तो अब वो इन 13 लड़कों को यहां से बाहर कैसे निकालेंगे। अभी तक पूरी रेस्क्यू टीम ने जितनी भी मुश्किलों का सामना किया था, अगले 8 दिनों में इनको इससे भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अंधेरी गुफा किसी एक इंसान की जान लेने वाली है। इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो आप देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। वैसे क्या लगता है आपको, आगे क्या होने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।